फ्रेंड, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना है दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखना है तो कैसे दोस्तों शेयर खरीदे, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप देखाऊंगा कैसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करना पड़ता है जीरोधा के अंदर में। दोस्तों अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है बहुत अच्छा बात है, अगर आपको जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप तुरंत अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग टाइम पे अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लाइव एंड प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसी भी कंपनी के अंदर स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों जीरोधा का एप्लीकेशन के अंदर में। एप्लीकेशन के अंदर में आने के बाद ऊपर में देखिए दोस्तों एक सर्च बार देखने को मिल रहा है, इस सर्च बार में दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे क्लिक करने दोस्तों आपको जो भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक का नाम यहां पे पुट करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाना है तो रिलायंस इंडस्ट्री में यहां पे आपके सामने सर्च कर चुका हूं। देखिए नीचे दो ऑप्शन है एनएससी और बीएससी, मैं आपको प्रेफर करूंगा एनएससी का, बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करिए। देखिए फिर आपका लिस्ट का नीचे देखिए दोस्तों आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले इस रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक देखने को मिले इस पर ऊपर एक टैप करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे बाय और सेल ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बाय ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने बाय ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट पेज आ चुका है, पहले आपको रेगुलर सिलेक्ट रहने दीजिए, रेगुलर रहना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखिए क्वांटिटी, आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन में देखिए दोस्तों लिमिट देखने को मिल रहा है, लिमिट मतलब दोस्तों देखिए मेरे को सबसे पहले 100 क्वांटिटी लेना है, मैं 100 डाल चुका हूँ। लिमिट ऑप्शन मतलब दोस्तों लिमिट का बगल में अगर आप एरो पे हाल लगाओगे दोस्तों मार्केट हो जाएगा, मतलब अगर आप मार्केट सिलेक्ट करोगे दोस्तों मार्केट में जो भी प्राइस है उस प्राइस में बाय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को मेरा मन मर्जी प्राइस पे लेना है तो इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, नीचे देखिए दो ऑप्शन है इंटर डे और लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर आपको सेम डे बाय सेल करना है, आज बाय का आज सेल करना है, आज सेल का आज बाय करना है तो आपको इंटर डे सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो लॉन्ग टर्म आप क्लिक करिए। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने लॉन्ग टर्म क्लिक करके रखा हूं दोस्तों, अभी आपके सामने दोस्तों मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ कितना रुपया में मेरे को लेना है। अभी देखिए स्विफ्ट बाय कर चुका दोस्तों, नीचे मेरा शेयर यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अभी ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करिए, देखिए दोस्तों मेरा ऑप्शन अभी मैं मेरा ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके मेरा बाय हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस प्राइस में डाला हूँ उस प्राइस धीरे धीरे करके आ रहा है। देखिए मेरा बाय हो चुका है दोस्तों। ऊपर में देखिए एग्जीक्यूटिव बोल के एक ऑप्शन देखने को मिला, उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा, देखिए दोस्तों मेरा सेल कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वांटिटी का जो मैं सेल ऑर्डर डाला था वो मेरा मन मर्जी प्राइस में सेल हो चुका है दोस्तों। अभी इसको स्टेटस चेक करना है क्या कंडीशन है, नीचे पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पोजीशन में देखने को मिला मेरे 100 क्वांटिटी बाय हो चुका है। बगल में अगर आप होल्डिंग पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको होल्डिंग में दिखाएगा पहले से जो भी होल्डिंग में है दोस्तों, और ये पोजीशन वाला जो स्टॉक है अभी आपने जो बाय किया वो कल तक होल्डिंग में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रोसेस से आप दोस्तों किसी भी टाइम जीरोधा के अंदर में आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख सकते हो दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।